हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर बड़ा ब्लॉक। आज मैं सिंपल सी बात डिस्कस करूंगा एट द मस्कट में सिम एंड इंटरनेट एंड वाईफाई के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करूंगा इसका कितना आप जब फर्स्ट टाइम आते हैं, हाउ टू टेक सिम एंड इंटरनेट वाईफाई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उसमें। चलिए, आज जितना मेरा नॉलेज है उसको आपको मैं शेयर करता हूँ एंड बेसिक तरीका से। एंड द बेसिक में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट जब हम लोग जब मस्कत में आया था तो आने के बाद हमको सिम लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट था। सिम रहेगा तो आप वर्ल्ड से आप कनेक्टेड हो सकते हैं। सिम, हाउ टू टेक सिम इधर इंडिया में कैसे लेते हैं वो डिफरेंट प्रोसीजर है और इधर डिफरेंट प्रोसीजर है। सिम जो लेते हैं हम लोग जब आया था लेने के टाइम में, ये जो सिम है, सिम जब लिया था हम लोग कि पहले हम लोग पासपोर्ट डिपोजिट किया था एयरपोर्ट में। आपको पासपोर्ट देना पड़ता है, उसके बाद आपको वेरीफाई होने के बाद आपको इधर जो रहने के लिए जो रेसिडेंसी कार्ड है वो आपको बनाना पड़ता है, जिसको बोलता है लेबर कार्ड या रेसिडेंसी कार्ड जो बोलते हैं। आप लोग जब कितना साल के रहते हैं, टूरिस्ट वीजा में आते हैं तो जॉब वीजा में आते हैं तो इसे दो साल का, जॉब वीजा रहता तो जॉब दो टू ईयर का रहता है। आप एक पासपोर्ट की तरफ से ले सकते हैं या सेकेंड आपको लेबर कार्ड के थ्रू से भी ले सकते हैं। सिम लेने के बाद आपको जो वॉलेट टू रियल पड़ता है, सिम जो है दो रुपया पड़ता है, टू रियल पड़ता है। इंडियन करेंसी आपको नियर बाय अभी का जो मार्केट वैल्यू है 400 रुपया अगर पड़ गई, 400 आपको ये पड़ता है, 400 पड़ता है, नियर बाय 400 पड़ता है। उसके बाद आपको इंटरनेट लेने पड़ेगा। इंटरनेट लेने के लिए आपको कितना मारना पड़ता है कैमरामैन, आपको पता है कि 1 GB लेने जाएगा तो आपको 3 रियल पड़ता है, 1 GB 1 GB 2 रियल लेने जाने पड़ेगा तो आपको 2 रियल नियर बाय सेम 400। कितना कॉस्टली है, ओनली 1 GB लेने के लिए 2 रियल पड़ता है। इधर इंटरनेट यूज के लिए बहुत पैसा लगता है, इधर इंटरनेट यूज के लिए बहुत हाई रेट है। हम लोग इंटरनेट इंडिया में एवरीडे हम लोग को 300 या तो 400 नाइट एट ऐसे भरते हैं, तो एवरीडे 300 भरते थे इंडिया में, आपको कितना देना पड़ता है पर डे 1.5 GB देते हैं, बहुत 1.5 GB देते हैं पर डे इंडिया में, बट इधर नहीं है। 1 GB के लिए 2 रियल देना पड़ता है, 2 GB लेने जाएगा तो इधर मस्कत में 2 GB लेने जाएगा तो आपको 5 रियल पड़ता है। 5 रियल इंडियन मीन्स 1000 इंडियन करेंसी। हाउ मच कॉस्टली यार, कितना कॉस्टली इधर आपको, जस्ट फॉर मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, बेसिक। अगर आपको इधर से मान टू इंडिया में कॉल करने जाएगा तो डायरेक्ट उसके इधर एक आईडी मिलता है, उसमें आईटेल बोलता है, आईटेल डॉलर। ये आपको आप नॉर्मल फोन में आप कर सकते हैं। आपको कितना है, 2 रियल कैमरामैन कितना है, 2 रियल 300 कुछ मिनट मिलेगा, 2 रियल ऐसे कैसे है, इसमें से आपको 300-400 मिनट मिलेगा 2 रियल में, 500 या 500 कॉल या 600 कॉल मिलता है आपको, आप इंडिया में फोन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इतना मिनट आपको मिलता है, वो भी आपको विथ इंटरनेट
कनेक्टेड होना चाहिए। ऑन करके आप इसमें इस आइटल से आप फोन कर सकते हैं इंडायरेक्टली, ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूं कि वाईफाई, वाईफाई फैसिलिटी किस तरह से इधर मिलते हैं। वाईफाई जो है बेसिक्स में जो बताता हूं, हम लोग जो जैसे यूज करते हैं, आपको वाईफाई लेने जाएगा, मशीन लेने जाएगा, आपको सेम प्रोसीजर में आपको लेना पड़ता है। या तो पासपोर्ट दीजिए, या तो लेबर कार्ड डिपोजिट करिए, या तो ऑरिडो सेंटर है, ऑरिडो कंपनी का टेलीकॉम सेंटर है, ओमान टेल है, रायना है, उसके बाद फ्रेंडी है, इसको आपको वाईफाई मिलेगा। वाईफाई के लिए आपको सेम आपको सिम कार्ड लेना पड़ेगा, लेने के लिए आपको लेबर कार्ड डिपोजिट करना पड़ता है, आपको फोटोकॉपी आपको देना पड़ता है उस कंपनी के लिए जिस कंपनी से आप वाईफाई कनेक्टेड करते हैं। वाईफाई बहुत इधर फैसिलिटी अच्छा है, सुविधा है, थोड़ा जो जीबी से थोड़ा हम लोग को सुविधा मिलता है डाटा से। वाईफाई थोड़ा फास्ट है, थोड़ा सेफ भी है, हम लोग वाईफाई भी यूज करते हैं। वाईफाई आपको मशीन लेने के लिए आपको सेम प्रोसीजर में आपको सिम जैसे जैसे कनेक्टेड करते हैं। वाईफाई फर्स्ट आपको लिए वन मंथ लेने, आप फर्स्ट टाइम वन मंथ लेना पड़ता है। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड ऑफ जब सेकेंड टाइम में आप जब आज इस महीने लिए, नेक्स्ट महीने आपको देना पड़ता है 25 रियल। इसमें आपको देता है 250 जीबी आपको 25 रियल इसका प्राइस पड़ता है। इसका नियर बाय इंडिया में आपको 4800 इतना प्राइस पड़ता है 250 जीबी का। मेरा घर पे वाईफाई यूज करता हूं, मैं भी ये वाईफाई यूज करता हूं एट द माय होम, ठीक है। मेरे घर में 780 रुपीज हम लोग अनलिमिटेड यूज करते हैं। 4-5 मोबाइल चलता है, डेस्कटॉप चलता है, लैपटॉप चलता है। देखिए कितना चीप है और कितना हाई कॉस्ट है इन मस्कत ओमान में, आप देख सकते हैं कितना हाई कॉस्टली है। सेम है, फिर इसका प्रोसीजर है, आपको ये वाईफाई जब कनेक्टेड करने जाएगा तो दो साल का आपको टू ईयर तक कंटिन्यू आपको चलाना पड़ता है। इससे पहले आपको डिपॉजिट दीजिएगा, इससे पहले जो आप जिस कंपनी से लिए उस कंपनी का आप डिपॉजिट करिएगा। डिपॉजिट जब करेगा आपको उससे पहले टू ईयर का पहले तो आपको 50 रियल पे ऑफ करना पड़ता है। 50 रियल नियर बाय इंडियन करेंसी 10,000 आपको पे करना पड़ता है इंडियन करेंसी में। दो साल तक आप चलाए उसके बाद आपको देना पे करना नहीं पड़ेगा, ये एग्रीमेंट रहता है उसका वाईफाई या कनेक्टेड सेम कंपनी के साथ कनेक्टेड रहता है। फिर इसका वाईफाई एक और सिस्टम है, जिस लोकेशन में जाएगा, जैसे कि इधर सूर है, सलाला है, लकवर है, उसके बाद सोहर है, मस्कत है, निजुआ है, जो भी चीज आप जिधर जिधर जाते हैं, इब्री है, उसका लोकेशन आपको देना पड़ता है। लोकेशन नियर बाय 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर ये आपको लोकेशन रहता है। लोकेशन में ये बैरियर रहता है, उसका रेंज उतना ही है। अब मान के चलिए अभी ये वाईफाई उठा के ले गए, ये से मेरे वाईफाई है, मैं ए प्लेस में रहता हूं, बी प्लेस में मैं ट्रांसफर किया, बट इसमें वाईफाई इधर काम नहीं करेगा। फिर आपको इसको कंपनी में जाना पड़ेगा, कंपनी जाकर आपको लोकेशन चेंज करना पड़ता है, फिर
लोकेशन चेंज करना, लोकेशन चेंज करना पड़ता है, लोकेशन आपको चेंज करना पड़ता है। फिर आपको उधर लोकेशन चेंज करने में आपको फाइव रियल मीन्स इंडियन करेंसी आपको 1000 इतना आपको पे करना पड़ता है। देखिए कितना खेला है वाईफाई। फिर अभी मैं ए है बी में गया, बी से आप सी में गया, सी से आप डी में जाए, जितना लोकेशन चेंज कर लोकेशन चेंज करने के लिए आपको फिर इस फाइव रियल आपको शिफ्ट करना पड़ता है ट्रांसपोर्टर। इस प्रोसीजर में इस इंटरनेट वाईफाई सिम इस तरह से आपको काम करता है। जो भी चीज है मैं छोटा छोटे जितना भी मेरा नॉलेज है अबाउट द मॉन अबाउट द मस्कट उसके बारे में आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो टिप्स आप लोगों को देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलता हूँ दूसरे टॉपिक में।